हाय गाइस, रिव्यू ब्रदर्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ जो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी डैशिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 के पोस्टर के बारे में। मैं आपको बताऊँगा पोस्टर में क्या है, टाइगर श्रॉफ का क्या लुक है और मुझे पोस्टर ये कैसा लगा। तो अपने इस रिव्यू को स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। मैं हूं विनीत। तो आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 के पोस्टर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर श्रॉफ की पिछली मूवी थी वॉर काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी और हम सब जानते हैं कि लोगों ने इसको कितना प्यार दिया था। उसी हिसाब से इनकी जो बागी और बागी 2 थी वो भी काफ़ी बड़ी हिट थी और जिसने बागी 2 ने तो काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़े थे। और जो टाइगर श्रॉफ हैं, जो डैशिंग हीरो हैं हमारे बॉलीवुड के और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो पर्सनैलिटी जो बॉडी बिल्डर वाले हीरो होते हैं उनमें उनकी गिनती की जाती है। तो उनकी बागी 3 आ रही है, मच अवेटेड मूवी है। उसका एक पोस्टर सामने निकल के आया है और उस पोस्टर पे लिखा है दिस टाइम ही इज अगेंस्ट अ नेशन। जी हाँ दोस्तों, और वो खड़े हैं और एक जो तोप है वो उनके सामने आ रही है। काफ़ी तगड़ा पोस्टर है और सबसे बड़ी बात उनकी शर्टलेस वो खड़े हैं और काफ़ी डैशिंग लग रहे हैं। तो पोस्टर से ऐसा लग रहा है कि इस बार वो एक देश के खिलाफ होंगे और उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। और वो हम सब जानते हैं कि वो एक कोई दुश्मन मुल्क होगा जिसके खिलाफ ये लड़ाई करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ेदार हो गया है पोस्टर को देख के। मैं बोलूँ इससे रियल 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 रैम्बो लुक लग रहा है पूरा। और वो हमेशा बागी और बागी 2 में तो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी बॉडी लग रही है ना वॉर के बाद, तो यार टाइगर श्रॉफ जो मैं बता रहा हूँ उनकी बागी सीरीज तो हमेशा से अच्छी रहती है। और बागी 3 का जिन लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और वॉर के बाद तो वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग भी उनकी काफ़ी सुधरी हुई लग रही है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा टाइगर श्रॉफ को देखना। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और इस मूवी में डांस तो हो गई उनका। सबसे अच्छी चीज़ लग रही है मुझे कि इस बार वो एक अलग वे में रहेंगे और एक देश के खिलाफ लड़ाई करेंगे जैसा कि पोस्टर में लग रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं पोस्टर की बात करूं, पोस्टर काफी डैशिंग है यार, मजा आ गया पोस्टर को देख के, दिल खुश हो गया इस पोस्टर को देख के। और अब इसका ट्रेलर भी आने वाला है 6 तारीख को, 6 फरवरी को इसका ट्रेलर आएगा। तो ट्रेलर से सब पता चल जाएगा कि मूवी कैसी है। और जैसे ही इसका ट्रेलर आएगा मैं आपको इसके ट्रेलर का भी रिव्यू करके बताऊंगा कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने पोस्टर देख लिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा इसका पोस्टर। और अगर आपको इसी प्रकार की न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल रिव्यू ब्रदर्स के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और टाइगर श्रॉफ के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।